एक जंगल में वीरू नाम का एक शेर अपनी पत्नी शेरनी के साथ रहता था। आज वीरू की जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन था क्योंकि उसकी पत्नी शेरनी ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। वीरू के दोनों बच्चे अद्भुत रंगीन शेर थे। वीरू ने अपने बच्चों में से एक का नाम सिम्बा जो कि एक सफेद रंग का शेर था और दूसरे का नाम बंटी रखा था। बंटी और सिम्बा के आ जाने से पूरे जंगल में खुशी का माहौल था। वहीं एक दिन वीरू शेर अपने बेटे सिम्बा के साथ शिकार करने के लिए निकला होता है। वह दोनों जंगल में एक साथ चल रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद सिम्बा अपने पिता से थोड़ा आगे निकल आता है, तभी वहां अचानक पीछे से एक काला शेर आकर वीरू पर हमला कर देता है और वीरू शेर को जान से मार देता है। जब सिम्बा पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने पिता की लाश दिखाई देती है। अपने पिता की लाश को देखकर सिम्बा को कुछ समझ नहीं आता। वह बहुत दुखी हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। उधर वीरू की पत्नी शेरनी अपने बेटे बंटी के साथ वीरू और सिम्बा का गुफा में इंतजार कर रही होती है। तभी वह काला शेर वहां भी आ जाता है और शेरनी पर हमला करके उसे भी जान से मार देता है। बंटी अभी बहुत ही छोटा था, उसे कुछ भी नहीं पता था। तब काला शेर बंटी से कहता है, सुनो बेटा, आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ। यह शेरनी तुम्हारी माँ नहीं थी, अब तुम मेरे बेटे हो और मेरे साथ रहोगे। क्योंकि बंटी अभी मासूम था और उसे कुछ भी मालूम नहीं था, तो वह काला शेर की बात पर विश्वास कर लेता है और फिर उस दिन से बंटी उस काला शेर के साथ ही उस गुफा में रहने लगता है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और अब शेरनी का बेटा बंटी बड़ा हो जाता है और एक ताकतवर शेर बन जाता है। परंतु उसका स्वभाव बिल्कुल काले शेर के जैसा ही था, क्योंकि काले शेर ने ही उसकी परवरिश की थी। वह किसी पर कोई रहम नहीं करता था, वह जिसे चाहे उसे अपना शिकार बना लिया करता था। उधर सिम्बा भी अब बड़ा हो चुका था, परंतु सिम्बा का स्वभाव अपने भाई बंटी से बिल्कुल अलग था। वह बहुत ही रहमदिल था, वह जंगल के जानवरों की इज्जत करता था और उन्हें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। वहीं ऐसे ही एक दिन सिम्बा का सामना बंटी से हो जाता है। उस समय बंटी एक गाय का शिकार कर रहा होता है। सिम्बा दौड़कर बंटी के पास आता है और कहता है, अच्छा हत्यारे शेर, तो है तुम ही हो काले शेर के बेटे जो जंगल के जानवरों का शिकार कर रहा है। तुमने ही जंगल में आतंक मचा रखा है, परंतु मेरे होते हुए मैं यह सब बिल्कुल नहीं होने दूंगा। सिम्बा की बात सुनकर बंटी कहता है, हाँ मैं ही काले शेर का बेटा हूँ, परंतु तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं जिसे चाहूँ उसका शिकार कर सकता हूँ। मुझे यहाँ रुकने वाला कोई नहीं है। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा सामना करके दिखाओ। यह सुनकर सिम्बा बंटी पर हमला करने ही वाला था कि वहाँ एक गाय आ जाती है और बंटी और सिम्बा से कहती है, बंटी सिम्बा, यह तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों भाई होकर आपस में क्यों लड़ रहे हो? गाय की यह बात सुनकर बंटी शेर गाय से कहता है, अरे गाय, यह तुम क्या कह रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? मेरा कोई भाई नहीं है, मैं काले शेर का अकेला ही बेटा हूँ। तब गाय कहती है, अरे नहीं बेटा, तुम दोनों को सच्चाई नहीं मालूम है। जब तुम दोनों ने अपनी आंखें खोली थी तभी उस काले शेर ने तुम्हारे माता पिता को मार डाला था। सिम्बा तो इस जंगल से चला गया था, परंतु उस काले शेर ने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया। अरे गाय, ये तुम क्या बोले जा रही हो? काले शेर मेरे पिता हैं। अगर तुमने और कुछ मेरे पिता के बारे में कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बेटा, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं तो तुम इसी समय मेरे साथ चलो, मैं अभी तुम्हें उस शेर का असली रूप दिखाती हूँ। तब गाय बंटी और सिम्बा को लेकर काले शेर के पास आ जाती है। वह बंटी और सिम्बा को एक पत्थर के पीछे खड़ा रहने को कह देती है और खुद काले शेर के पास आकर कहती है, काले शेर, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम दोनों भाइयों को आपस में क्यों लड़वा रहे हो? बंटी और सिम्बा दोनों सगे भाई हैं। अरे मूर्ख गाय, मैंने यह सब जंगल पर राज करने के लिए किया है। मैं यहाँ राज कर सकूँ, इसलिए मैंने उन दोनों के माता पिता को मार दिया था और मैंने उस बंटी को इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया ताकि वह बुढ़ापे में मेरा सहारा बन सके और मेरे लिए हर रोज शिकार कर सके। वहीं बंटी और सिम्बा काली शेर की यह सारी बातें सुन रहे होते हैं। यह सुनकर बंटी और सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है और वे दोनों गुस्से से दौड़कर काले शेर के पास आते हैं और उस पर हमला करके उसे वहीं जान से मार देते हैं। काले शेर के मरने के बाद वे दोनों भाई गाय का शुक्रिया करते हैं और फिर खुशी खुशी एक साथ जंगल में रहने लगते हैं। एक बार एक जंगल में अचानक से एक जादू दरवाजा प्रकट होता है। उस जादू दरवाजे में से तेज रोशनी निकलती है और उस दरवाजे से एक गोल्डन शेर बाहर आता है। वह गोल्डन शेर बहुत बुरी तरह जख्मी होता है। वह थोड़ी देर इधर उधर देखता है और फिर जंगल की ओर निकल जाता है। तभी उसी जादुई दरवाजे से एक शैतान शेर निकलता है।
वह कहता है, गोल्डन शेर तुम मुझसे कब तक भाग कर जाओगे, जल्दी ही मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और तुम्हारी सारी शक्तियाँ तुमसे छीन लूंगा। यह कहकर वह शैतानी शेर एक शैतान बाघ का रूप ले लेता है और जंगल में आगे की ओर निकल जाता है। वहीं उस जंगल में एक सिम्बा नाम का शेर रहता था। सिम्बा बहुत नेक दिल और शांत मिजाज का शेर था। वह अपने जंगल के जानवरों के साथ ही रहता था और खुशी से उनके साथ अपना जीवन यापन कर रहा था। वहीं वह शैतानी बाघ जंगल में आ जाता है। तभी उसे एक भालू दिखाई देता है। शैतानी बाघ भालू के पास आता है और भालू से कहता है, अरे भालू, क्या तुमने यहाँ किसी गोल्डन शेर को देखा है? नहीं बाघ, मैंने यहाँ किसी गोल्डन शेर को नहीं देखा। मूर्ख भालू, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो, वह गोल्डन शेर इसी और आया है। यह कहकर वह शैतानी बाघ भालू पर हमला कर देता है और उसे वहीं मार डालता है। वहीं उस शैतान बाघ को भालू को मारते हुए वीरू नाम का भेड़िया देख लेता है। उधर सिम्बा अपने जंगल में घूम रहा होता है, तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है, मानो कोई दर्द से कराह रहा हो। वह आवाज़ सुनकर सिम्बा झाड़ियों के पीछे जाकर देखता है, तभी उसे वहाँ वह गोल्डन शेर दिखाई देता है जो बुरी तरह जख्मी होता है। अरे अरे, यह शेर तो बुरी तरह घायल है, यह शेर कौन है और यहाँ हमारे जंगल में कैसे आया? अब मैं इस शेर की जान कैसे बचाऊं? इस घायल शेर का तो बहुत खून बह चुका है, अगर मैंने इसे यहीं छोड़ दिया तो यह बेचारा मर जाएगा। तब सिम्बा उस गोल्डन शेर को अपनी गुफा में ले आता है और वहां लाकर सिम्बा जड़ी बूटियों से उस घायल शेर का इलाज करता है। कुछ दिनों में वह गोल्डन शेर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और सिम्बा से कहता है, सिम्बा शेर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाकर मुझे नया जीवन दान दिया है। कोई बात नहीं गोल्डन शेर, यह तो मेरा फर्ज था, लेकिन गोल्डन शेर तुम यहाँ हमारे जंगल में कैसे आए और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? सिम्बा, मैं एक गोल्डन शेर हूँ और अपनी जादुई दुनिया से भाग कर यहाँ आया हूँ। मेरी यह हालत एक शैतान शेर ने की है। एक दिन उसने मेरी जादू दुनिया में आकर मेरे सभी गोल्डन शेर भाइयों की हत्या कर दी और अब वह मेरी शक्तियाँ छीनने के लिए मेरे पीछे पड़ा है। अब तक वह शैतान शेर मेरा पीछा करते हुए इस जंगल में आ गया होगा। तभी वहाँ वीरू भेड़िया भागा भागा आता है और उस शैतान बाघ के बारे में सिम्बा को सारी बात बताता है। अरे कौन है ये दुष्ट बाघ और यह हमारे जंगल में अचानक से कैसे आ गया? सिम्बा, उस शैतान बाघ के बेस में यही वह शैतानी शेर है। सिम्बा, वह शेर बहुत ही शक्तिशाली है। नहीं गोल्डन शेर, मैं उस शैतान शेर को नहीं छोड़ूंगा, वह यहाँ आकर मेरे जंगल के मासूम जानवरों को मार रहा है, मैं यह नहीं देख सकता। सिम्बा, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम उस शैतान शेर का सामना नहीं कर सकते। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक जंगल है जहाँ एक पुरानी गुफा है। उस गुफा के अंदर एक जादुई मणि रखी है। उस शैतानी शेर को सिर्फ उस जादुई मणि की शक्तियों से ही मारा जा सकता है। सिम्बा, यह काम सिर्फ तुम कर सकते हो। अब सिम्बा जंगल में उस गुफा के पास आ जाता है जहां वह जादुई मणि रखी होती है। सिम्बा उस जादुई मणि को उठा लेता है और उस मणि को अपने मुंह में रखकर उस शैतानी बाघ के पास आ जाता है। सिम्बा के पास उस मणि को देखकर वह शैतान बाघ अपने असली रूप में आ जाता है। अरे यह मणि इस शेर के पास कैसे आई? ता है उस गोल्डन शेर ने ही इस मणि के बारे में इस शेर को बताया है और यह शेर मुझे यहाँ मारने के लिए आया है। गोल्डन शेर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वह शैतानी शेर सिम्बा पर हमला करने जाता है, परंतु इससे पहले सिम्बा उस जादुई मणि की शक्तियों से शैतानी शेर पर हमला करके शैतान शेर का वहीं अंत कर देता है। गोल्डन शेर सिम्बा का धन्यवाद करता है और तभी वहाँ एक जादुई गोल्डन लंबे पैर वाला शेर घर प्रकट होता है। सिम्बा, यह लो, यह एक जादुई गोल्डन लंबे पैर वाला शेर घर है। इस अद्भुत जादुई घर में तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। अब तुम मजे से इस गोल्डन शेर घर में रहो और आनंद लो। यह कहकर गोल्डन शेर वहाँ से गायब हो जाता है और सिम्बा खुशी खुशी उस जादुई लंबे पैर शेर घर में रहने लगता। एक जंगल में बहुत से रंगीन बाघ रहा करते थे। उन सभी बाघों के पास कुछ विशेष जादुई शक्तियां थी। किसी के पास पानी की शक्ति, किसी के पास अग्नि की शक्ति और किसी के पास वायु की शक्ति थी। वे सभी रंगीन बाघ बड़े ही दुष्ट और जालिम थे। वे सभी अपनी शक्तियों से जंगल के जानवरों को परेशान किया करते थे और हमेशा उन पर अपना हुक्म चलाते थे। जो भी जानवर उनकी बात नहीं मानता था तो वे दुष्ट बाघ अपनी शक्तियों से उसे जलाकर वहीं मार देते थे। जंगल के सभी जानवर उन जालिम बाघों से बड़े ही परेशान थे। एक दिन उस जंगल के सभी जानवर मिलकर पास वाले जंगल में आते हैं और वहां आकर वह उस जंगल के राजा शेर से कहते हैं, महाराज महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, हम सभी मुसीबत में हैं। अरे भाइयों, क्या हुआ? तुम सब इतने परेशान क्यों हो? बताओ मुझे, तुम्हें क्या परेशानी है? तब सभी जानवर सफेद शेर को सारी बात बताते हैं। महाराज, हमारे जंगल में कुछ रंगीन बाघ रहते हैं। उन सभी के पास कुछ विशेष शक्तियां हैं महाराज। वे सभी बाघ उन शक्तियों से हम जानवरों को परेशान करते हैं और यदि कोई जानवर उनकी बात नहीं मानता तो वह उसे उन
शक्तियों से मार डालते हैं महाराज। उन जानवरों की बात सुनकर सफेद शेर हैरान हो जाता है और उसे कुछ याद आने लगता है। क्या वे सभी रंगीन बाघ तुम्हारे जंगल में हैं? वे सभी दुष्ट बाघ तो मेरे पिता के कातिल हैं। मैं तो कब से उन दुष्ट बाघों से अपने पिता का बदला लेने का इंतजार कर रहा हूँ। उन हत्यारे बाघों के पास जो शक्तियाँ हैं वे सभी मेरे पिता की हैं। रुको, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। यह उस समय की बात है जब मैं बहुत छोटा था। तब मेरे पिताजी उस जंगल के राजा हुआ करते थे। मेरे पिताजी की एक सेना थी जिसमें सभी शेरों के पास कुछ जादुई शक्तियाँ थी। वे सभी उन जादुई शक्तियों से जंगल के जानवरों की हमेशा मदद किया करते थे। तब एक दिन हमारे जंगल में अचानक से एक बाघ आया। वहां आकर उसने पिताजी से कहा, महाराज मैं बहुत गरीब और बेसहारा हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या मैं आपके इस जंगल में कुछ समय के लिए रह सकता हूँ महाराज? उस बाघ की हालत देखकर पिताजी को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे जंगल में रहने को कहा। लेकिन रात होते ही हमेशा की तरह पिताजी और सभी शेरों की शक्तियाँ एक जादुई मणि में चली गईं। उस रात यह सब होते हुए उस बाघ ने चुपके से देख लिया था। अरे इन शेरों के पास तो जादुई शक्तियाँ हैं। अगर ये शक्तियाँ मुझे मिल जाएं तो मजा ही आ जाएगा। मैं इन शक्तियों से अपनी सेना बनाऊंगा और इस जंगल पर राज करूंगा। तब उस दुष्ट बाघ ने उस रात एक प्लान बनाया और रात में ही उसने अपनी सेना के साथ सफेद शेरों पर हमला कर दिया और उन्हें जान से मार दिया। उसमें मेरे पिताजी भी शामिल थे। सभी शेरों को मारने के बाद वह बाघ उस जादुई मणि को चुराकर वहां से भाग गया। मैं वहीं गुफा में खड़ा यह सब देख रहा था। पिताजी के मरने के बाद मैं बिल्कुल अनाथ हो गया। तब मैंने वह जंगल छोड़ दिया और यहां चला आया। मुझे उस दुष्ट बाघ से अपने पिता का बदला लेना है। मुझे इसमें तुम सबकी मदद चाहिए। अगले दिन जब रात होती है तब सभी बाघों की शक्तियाँ मणि के अंदर चली जाती हैं। तब जंगल में एक जादुई दरवाजा उतरता है और उसके अंदर से वह सफेद शेर बाहर आता है। तब सफेद शेर सभी जानवरों को लेकर उन रंगीन बाघों पर हमला कर देता है। सफेद शेर और सभी जानवर मिलकर उन सभी रंगीन बाघों को मार देते हैं। यह देखकर सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और फिर सभी जानवर सफेद शेर को जंगल का राजा बना देते हैं और हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। एक बार एक शेरनी घबराई हुई अपने बच्चे को लेकर भाग रही होती है क्योंकि शेरनी के पीछे दो बड़े ही खतरनाक बाघ पड़े होते हैं। शेरनी भागते हुए एक नदी किनारे आ जाती है। वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। शेरनी अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा देती है, परंतु वहीं वह दोनों बाघ शेरनी को घेर लेते हैं और उस पर हमला करके उसे जान से मार डालते हैं। वहीं जंगल के कुछ जानवर नदी किनारे पानी पीने आए होते हैं। वह उन बाघों को ऐसा करता देख लेते हैं। शेरनी को मारने के बाद वह दोनों बाघ वहां से चले जाते हैं। वहीं जंगल के जानवरों को एक नन्हा सफेद शेर एक टोकरी में तैरता हुआ दिखाई देता है। गाय और भालू उस बच्चे को पानी से बाहर निकालते हैं। हे भगवान, यह इतने मासूम बच्चे को किसने पानी में फेंक दिया? गाय, मुझे तो लगता है यह उस शेरनी का बच्चा है। इसकी माँ ने इसे बचाने के लिए इसे पानी में छोड़ा होगा। हाँ भालू, उस बेचारी शेरनी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राण गवा दिए। परंतु गाय, अब हम इस बच्चे का क्या करें? भालू, मैं इस बच्चे को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं इस बच्चे को पालूंगी। आज से मैं इसकी माँ हूँ। बेटा, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। ऐसा कहकर गाय उस सफेद शेर को अपने घर ले आती है और उसका अच्छे से पालन पोषण करने लगती है। गाय उसका नाम सिम्बा रखती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और सिम्बा अब काफी बड़ा हो जाता है। वहीं एक दिन वह गाय बड़ी तेजी से भाग रही होती है। उसके पीछे वह दोनों लालची बाघ पड़े होते हैं। गाय बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वह दोनों बाघ थोड़ी दूर तक गाय का पीछा करते हैं और फिर वहीं रुक जाते हैं। छोड़ो भाई, आज नहीं तो कल हम इस गाय और इस जंगल के सभी जानवरों का शिकार कर लेंगे और फिर इस जंगल पर हम दोनों ही राज करेंगे। उधर गाय भागकर अपनी गुफा में आ जाती है। गाय को इस हालत में देखकर भालू कहता है, अरे गाय क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? भालू, आज मेरी जान बड़ी मुश्किल से बची है। आज मैंने उन दोनों लालची बाघों को अपने जंगल में देखा। उन दोनों बाघों ने मुझे अपना शिकार बनाने की कोशिश की, परंतु थोड़ी दूर पीछा करने के बाद वह दोनों वहीं रुक गए। गाय, यह तुम क्या कह रही हो? यह दोनों तो वही लालची आदमखोर बाघ हैं जिसने सिम्बा की माँ को मारा था। हाँ भालू, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वह दोनों मेरे बेटे सिम्बा को भी ना मार दें। गाय, मेरे ख्याल से हमें सिम्बा को यह बात बता देनी चाहिए।
नहीं भालू, तुम सिम्बा से इस बारे में कुछ मत कहना। वह दोनों लालची बाघ बड़े ही खतरनाक हैं। मैं सिम्बा को नहीं खोना चाहती। वहीं अगले दिन वह दोनों बाघ जंगल में फिर से घुस आते हैं और वहां आकर वह दोनों आतंक मचाने लगते हैं और जंगल के जानवरों को एक एक करके मारने लगते हैं। जब गाय को यह बात पता लगती है तो गाय भालू से कहती है, भालू तुम सिम्बा के साथ यहीं रहना, मैं इन दोनों बाघों को समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं वापस ना लौटूं तो तुम सिम्बा को लेकर यहाँ से चले जाना। यह कहकर गाय वहाँ से तेजी से निकलती है। वहीं जब सिम्बा को अपनी माँ कहीं नहीं दिखती तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और भालू से कहता है, भालू काका माँ कहाँ है, वह मुझे कहीं नहीं दिख रही, वह कहाँ गई है। सिम्बा की बात सुनकर भालू चुपचाप खड़ा रहता है क्योंकि वह बड़ा ही दुखी था। भालू काका क्या हुआ, आप मुझे बहुत चिंतित लग रहे हो, मुझे बताओ आखिर क्या बात है, तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। तब भालू सिम्बा को सारी बात बताता है कि उसकी माँ उन दोनों लालची बाघों से मुकाबला करने गई है। वह दोनों बाघ उसकी असली माँ शेरनी के हत्यारे हैं। उसकी माँ शेरनी ने उसे बचाने के लिए एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था। तब गाय ने उसे अपना बेटा समझकर उसे पाला पोसा और बड़ा किया। भालू की यह बात सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है। उधर वे दोनों आदमखोर बाघ गाय को घेर लेते हैं। उस दिन तो तू बच गई थी गाय, परंतु आज तुझे बचाने कौन आएगा, आज हम दोनों तेरी बोटी बोटी खा जाएंगे। यह कहकर दोनों बाघ गाय को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी इतने में सिम्बा दहाड़ता हुआ वहां आता है और उन दोनों बाघों पर हमला कर देता है और एक एक करके उन दोनों बाघों को जान से मार देता है और अपनी माँ गाय को उन दोनों से बचा लेता है। इस तरह सिम्बा अपनी माँ गाय के प्राणों को बचाकर उसका कर्ज चुका देता है। एक बार की बात है, जंगल को कुछ शैतानी बाघों और काले शेरों से बचाने के लिए सफेद शेर की सेना शैतानी बाघों और शेरों का अंत कर देती है, लेकिन उनमें एक बाघ का बेटा जिंदा बचाता है। तभी सफेद शेर की पत्नी शेरनी कहती है, बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं, फिर चाहे वो दुश्मन बाघ के ही क्यों ना हो, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, मैं इसे पाल लेती हूँ, मैं इसे जैसी परवरिश दूंगी यह वैसा ही बनेगा। ऐसा कहकर शेरनी उस बाघ के बच्चे को अपने साथ ले आती है और उसका पालन पोषण करती है। धीरे धीरे वह बाघ का बच्चा बड़ा हो जाता है। शेरनी उसका नाम बघीरा रखती है। एक दिन बघीरा अपनी माँ शेरनी से कहता है, माँ मैंने सुना है यह जंगल बहुत बड़ा है और बहुत ही सुंदर है, मुझे यह जंगल देखना है, मैं जंगल देखने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर बघीरा जंगल में घूमने के लिए निकलता है। अभी उस जंगल में एक मैजिक जादुई दरवाजा प्रकट होता है और उस मैजिक दरवाजे में से कुछ शैतानी रंगीन बाघ निकल कर आते हैं और बघीरा को देखकर कहते हैं, अरे भाइयों यह बाघ कौन है, यह तो हमारी ही बिरादरी का लगता है, लेकिन इसमें से तो शेरनी की गंध आ रही है, लगता है यह बाघ इसी जंगल में रहता है, इसका सहारा लेकर हम उन सफेद शेरों को जिन्होंने हमारे साथियों को मारा है उन सबको तबाह कर देंगे और उनके इस जंगल पर कब्जा कर लेंगे। ऐसा कहकर वे सभी शैतानी बाघ गाय का रूप धारण कर लेते हैं और बघीरा से कहते हैं, आओ बघीरा आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, हमें पता है तुम शेरनी के बेटे हो, हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। तभी वह गाय वहाँ कुछ फल प्रकट करती है। बघीरा तुम जंगल में घूमकर थक गए होगे, यह लो थोड़े फल खा लो, इसे खाकर तुम्हारी थकान मिट जाएगी। फल देखकर बघीरा बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे गाय बहन तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ये फल तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मुझे अभी भूख नहीं है, मैं यह फल अपने घर ले जाता हूँ और अपनी माँ को भी खिलाऊंगा। हाँ बेटा क्यों नहीं, तुम ये फल सबको खिलाओ। बघीरा के वहाँ से जाने के बाद एक बाघ कहता है, अरे भाई तुमने तो इस बाघ को ऐसे ही छोड़ दिया और इसे खाने के लिए फल भी दिए, तुमने ऐसा क्यों किया। सुनो मेरे साथियों, इस बघीरा का सहारा लेकर हम अपने साथियों की मौत का बदला उन सभी सफेद शेरों से लेंगे, वह फल जो मैंने बघीरा को दिए हैं वे सभी जादुई फल हैं, उन्हें खाकर वे सभी मेरे बस में हो जाएंगे और खुद ब खुद हमारे पास चल कर आ जाएंगे, फिर हम आसानी से उन सभी को मारकर उनके इस जंगल पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। उधर बघीरा फल लेकर जंगल में जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में कुछ सफेद शेर मिलते हैं। अरे बघीरा बेटा तुम यह फल लेकर कहाँ जा रहे हो, हमें भी भूख लगी है, हमें भी थोड़े से फल देते जाओ। बघीरा कहता है, हाँ शेर महाराज क्यों नहीं, ये फल तो मैं तुम सबके लिए ही लेकर आया हूँ। इतना कहकर वे सभी सफेद शेर बघीरा से फल लेकर उन सभी फलों को खा लेते हैं। सफेद शेरों को फल खिलाकर बघीरा अपनी माँ के पास आ जाता है। बघीरा के पास एक फल देखकर शेरनी कहती है, बघीरा तुम तो जंगल में घूमने गए थे तो ये फल कहाँ से ले आए।
तब बघीरा अपनी माँ शेरनी को सारी बात बताता है कि उसे जंगल में घूमते हुए कुछ गाय मिली थी। उस गाय ने ही बघीरा को ये फल खाने को दिए हैं। माँ, वह गाय बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने मुझे ढेर सारे फल दिए थे और कहा था कि मैं जाकर ये फल सबको खिलाऊं। रास्ते में आते हुए मैंने कुछ शेरों को ये फल खिला दिए। अब सिर्फ एक फल बचा है। माँ, चलो हम दोनों इसे आधा आधा खा लेते हैं। बघीरा की बात सुनकर शेरनी हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक गाय पेड़ पर से फल कैसे तोड़ सकती है? दाल में कुछ काला है। मुझे तो यह कोई षड्यंत्र लग रहा है। इसका पता लगाना होगा। वहीं दूसरी तरफ सफेद शेर, जिन्होंने वे फल खाए थे, फल खाकर वे सभी सफेद शेर हिप्नोटाइज हो जाते हैं और शैतानी बागों की दुनिया की ओर निकल पड़ते हैं। शैतानी बाग उन सभी सफेद शेरों को कैद कर लेते हैं और उन्हें अपने साथ अपनी शैतानी दुनिया में ले जाते हैं। वहीं यह सब होते हुए एक भालू देख रहा होता है। भालू यह देखकर हैरान हो जाता है और तुरंत भागकर शेरनी के पास आता है और कहता है, शेरनी बहन, बघीरा ने जो फल सफेद शेरों को खिलाए थे उन्हें खाकर वे सभी सफेद शेर अचानक से किसी के वश में हो गए। कुछ शैतानी बाघ सफेद शेरों को कैद करके उन्हें अपनी दुनिया में ले गए हैं। यह सुनकर शेरनी कहती है, भालू, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। चलो चलकर देखते हैं। शेरनी भालू और अपने बेटे बघीरा को लेकर उन शैतानी बाघों की दुनिया में आ जाती है। शेरनी छिपकर देखती है कि उन सभी शैतानी बाघों ने सफेद शेरों को पिंजरे में कैद कर रखा है। तभी शेरनी कहती है, बघीरा, यह देखो, तुमने जो फल सफेद शेरों को खिलाए थे वे सभी फल जादुई फल थे। उन्हें खाकर सफेद शेर हिप्नोटाइज हो गए। बघीरा, तुमने जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें कैसे भी करके सफेद शेरों को बचाना होगा। यह सभी हमारे जंगल के रक्षक हैं। अगर ये ही नहीं रहेंगे तो हमारी जंगल की रक्षा कौन करेगा? यह सुनकर बघीरा कहता है, माँ, मैंने जो आज जाने अनजाने में गलती की है, मैं उस गलती को ठीक करूँगा। मैं सफेद शेरों को आजाद कराने में आपकी मदद करूँगा। माँ, मैं फल लेने के बहाने उन शैतानी बागों के पास जाता हूँ और उन सभी का ध्यान भटकाता हूँ। तब तक आप जाकर सफेद शेरों को आजाद कर देना। ऐसा कहकर बघीरा उन शैतानी बागों को आवाज लगाता है, अरे बाघ भाइयों, सुनो, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, मुझे मीठे मीठे फल चाहिए। बघीरा की आवाज़ सुनकर सभी शैतानी बाघ उसकी तरफ भागते हैं। तभी मौका मिलते ही भालू और शेरनी पीछे से उन सभी सफेद शेरों को आजाद कर देते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। उधर वे सभी शैतानी बाघ बघीरा को वहां देखकर हैरान हो जाते हैं, अरे यह बघीरा यहां कहां से आ गया? इसे यहां का रास्ता किसने बताया? तभी इतने में सफेद शेर वहां पहुंचते हैं। सफेद शेरों को आजाद देखकर शैतानी बाघ हैरान हो जाते हैं। फिर क्या था, सफेद शेर मिलकर एक साथ उन सभी शैतानी रंगीन बाघों पर हमला करते हैं और उन सबको एक एक करके मार डालते हैं। एक बार एक जंगल में तीन रंगीन शेर रहते थे। वह तीनों शेर बहुत दयालु और होशियार थे। वह तीनों हमेशा एक दूसरे का साथ दिया करते थे और जंगल में रहकर जंगल की देखरेख कर रहे थे। वहीं पास के एक दूसरे जंगल में एक बहुत ही खतरनाक दुष्ट लालची बाघ रहता था। वह बाघ बड़ा जालिम था। वह किसी ना किसी तरह उन तीनों रंगीन शेरों को मारकर उनके जंगल पर राज करना चाहता था। एक दिन उन रंगीन शेरों के जंगल में अचानक से एक सफेद शेर घुस आता है। वह शेर बहुत ही खूंखार और खतरनाक था। वहां आते ही वह जंगल में तबाही मचाना शुरू कर देता है और उसने जानवरों को मारना शुरू कर दिया। तब जंगल के कुछ जानवर मिलकर अपने जंगल के राजा उन तीनों रंगीन शेरों के पास आकर उन्हें उस खतरनाक सफेद शेर के बारे में बताते हैं। तब पीला शेर कहता है, अरे भाइयों, यह तुम क्या कह रहे हो? हमारे जंगल में एक खतरनाक सफेद शेर घुस आया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक शेर हमारे जंगल में आकर हमारे जानवरों को मार सकता है। खैर भाइयों, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब बेफिक्र होकर जंगल में रहो, हम तीनों उसे अभी देखते हैं। तब तीनों रंगीन शेर उस खतरनाक सफेद शेर को देखने जंगल में निकल जाते हैं और थोड़ा चलकर उन्हें वह सफेद शेर दिख जाता है। तभी गुलाबी शेर कहता है, अरे भाइयों, यह शेर तो बड़ा ही खतरनाक लगता है। शायद यह किसी दूसरे जंगल से आया है भाई। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। यह शेर तो मुझे भी बड़ा खूंखार और गुस्से में लग रहा है। परंतु भाई, अभी हमें थोड़ा होशियारी से काम लेना होगा। हमें अभी यहाँ से जाना होगा और फिर इस खतरनाक शेर से छुटकारा पाने का कोई और उपाय सोचना होगा। हाँ भाई, चलो चलो यहाँ से चलते हैं। तब वह तीनों रंगीन शेर वहाँ से वापस आ जाते हैं।
रास्ते में आते हुए वह तीनों रंगीन शेर उस सफेद शेर के बारे में ही सोच रहे थे, तभी चलते हुए रास्ते में उनके सामने एक जादुई रास्ता आ जाता है। उस रास्ते के सामने एक सफेद बाघ खड़ा होता है। वह सफेद बाघ उन तीनों रंगीन शेरों से कहता है, सुनो रंगीन शेरों, मैं तुम्हारी परेशानी का कारण जानता हूँ। तुम तीनों उस सफेद शेर के बारे में सोचकर ही परेशान होना। हाँ बाघ भाई, हम उस सफेद शेर को लेकर बहुत ही परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा वह सफेद शेर अचानक से हमारे जंगल में कैसे आ गया और वह हमसे किस चीज का बदला ले रहा है। तब सफेद बाघ कहता है, मुझे सब पता है। तुम्हारे जंगल में जो कुछ हो रहा है उस सब के पीछे तुम्हारे जंगल में रहने वाला एक खतरनाक बाघ है। रुको, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। तुम्हारे जंगल में रहने वाला वह बाघ एक दिन जंगल में टहल रहा था। तब टहलते हुए वह अपने जंगल से बहुत दूर निकल आता है और एक दूसरे जंगल में आ जाता है। वहां आकर वह अपने जंगल वापस जाने का रास्ता भूल जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। तब वहां उसे एक सफेद शेर अपने बेटे के साथ दिखाई दिया। बाघ उस सफेद शेर के पास पहुंचा और कहने लगा, शेर भाई, मैं गलती से रास्ता भटककर तुम्हारे जंगल में आ गया हूं और मुझे अब अपने जंगल जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या मैं कुछ दिन यहां तुम्हारे साथ रह सकता हूं क्या शेर भाई? बाघ की बात सुनकर सफेद शेर को उस पर दया आ जाती है और वह उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे देता है। परंतु वह बाघ बड़ा ही खतरनाक और लालची था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तब वह बाघ सफेद शेर के बेटे को लेकर शिकार के बहाने उसे एक गुफा के पास ले आता है। वहां लाकर वह उसे उस गुफा के अंदर बंद कर देता है। हा 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 हा, अब आएगा मजा। अब देखना मैं कैसे उन तीनों रंगीन शेरों की छुट्टी करता हूँ। अब मैं सफेद शेर को जाकर कहूँगा कि उन तीनों रंगीन शेरों ने उसके बेटे को मार डाला है। तब वह सफेद शेर उन तीनों रंगीन शेरों को नहीं छोड़ेगा और फिर मैं बनूंगा उस जंगल का राजा। तब उस बाघ ने सफेद शेर के पास आकर उसे यह सब झूठी कहानी सुना दी। उसकी कहानी सुनकर सफेद शेर को बहुत गुस्सा आया। अच्छा तो यह बात है, तो उस दुष्ट बाघ ने सफेद शेर को हमारे खिलाफ भड़काया है। अब हम तीनों उसे नहीं छोड़ेंगे। तब वह तीनों रंगीन शेर उसी समय उस दुष्ट बाघ के पास आ जाते हैं और उस पर हमला करके उसे वहीं मार देते हैं। फिर तीनों रंगीन शेर सफेद शेर के बेटे को गुफा से आजाद कर लेते हैं और सफेद शेर को सारी बात बताते हैं। अपने बेटे को वापस पाकर सफेद शेर बहुत खुश होता है और फिर सफेद शेर खुशी खुशी उन तीनों रंगीन शेरों के साथ ही उनके जंगल में रहने लगता है।